अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ हैप्पी होंगे। तो वेलकम है आप लोग का हमारे मोहसिन हाशमी प्लस यूट्यूब चैनल में और हमारे ब्लॉगिंग चैनल में। तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि मैं इस वक्त बाहर जा रहा था तो किसी काम से, तो खैर वो काम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं, बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन वो काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही मैं अगले आने व्लॉग्स में डिस्क्लोज़ करूँगा। एक खुशखबरी है और तमाम यकीनन मेरे देखने वाले जितने भी हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, यकीनन वो सुनेंगे तो मुझे दुआ ही देंगे और इंशाल्लाह खुश होंगे। उस काम से मैं जा रहा था, उसके साथ साथ घर वाले भी, मैंने कहा चलो मैं अपने काम से आ रहा हूँ तो घर वाले भी मेरे साथ चले चले। तो ये है कि बाहर निकलते हैं, अभी तो मैं उस काम को नहीं बताऊंगा वो मेरा क्या काम है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा वो क्या काम है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बाहर निकलूँ तो मैं कहा चलें बाहर निकलते हैं, आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, तो मैं छोटी सी एक बात मैं डिस्कस ये करना चाह रहा था कि मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस साल जो बकरा ईद है उस तरह ना लोग जानवर ला पाए और ना ही उस तरह बकरा ईद की रौनकें हैं ना मोहल्लों में ना गलियों में, और ना अभी बकरा ईद में शायद आज का दिन निकाल दें तो 2 से 3 दिन रह जाएंगे, तो ना उस सब मोहल्लों में जानवर नज़र आ रहे हैं, ना कुछ है ना कुछ है, वो रौनक है नहीं। अब क्या पता क्या वजह है, पता नहीं लोगों का पैसे हैं या नहीं है, हालात जो भी मुल्क हैं आप लोग के सामने है। जिस तरह बकरा ईद हुआ करती थी ना उस बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे हम लोग निकला करते थे रोड पर तो गाड़ी के बराबर से एक गाड़ी गाय की जा रही है, दूसरी गाड़ी गाय की जा रही है, इस तरह कुछ मुझे साल नज़र नहीं आया, वजह पता नहीं क्या। लेकिन जो भी, अगर जिसके भी हालात ख़राब हैं, अल्लाह से हमारी दुआ है, मौला हुसैन से हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द जिसकी भी जो परेशानी है मौला अपने, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, मौला हुसैन के सदक़े में मौला तमाम मोमिनीन की परेशानियां दूर फरमाए, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो बस चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आपको मजीद रास्ता दिखाते रहेंगे हमारे साथ साथ। A few moments later. तो मुझे काम से आता हूँ, हमने काम कर लिया तो बस यहाँ पर हम खा गए थे एक्स्ट्रा कुछ खाने पीने के लिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपना जो हमारा काम था हमने वो फिनिश कर लिया था, तो ये मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। तो बस यहाँ से खा पी के हम निकलेंगे, फिर मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना है अपनी, आज आखिरी शिफ्ट है रिकॉर्डिंग की, तो उसका एक अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो वहाँ पे जाएंगे वो काम करेंगे, बस ये है। अभी ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ये बाकर अपनी अलग शूटिंग कर रहे हैं। ये है बड़ा खूबसूरत व्यू शाम का। यार फ़ोन ज़रा बंद हो गया था मेरा, तो मैं घर आया हूँ, मैंने फ़ोन चार्ज किया है, तो जो बाकी और शूट था वो मैं दिखा नहीं पाया, फ़ोन अब बंद हो गया था चार्ज किया, तो मैंने कहा चलें व्लॉग मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लूँ और अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर लूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में, अच्छी जगह पर और अच्छे से किसी टॉपिक के साथ। वस्सलाम।